हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हमने जो प्रीवियस ईयर के यूजीसी एनटीए नेट के कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 80 तक हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, जिनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 81 से इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि यहाँ पर बात हो रही है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, हमें इनकम टैक्स के एक्ट के अंडर एग्रीकल्चर इनकम को बताना है कि कौन सी कंसीडर होती है एग्रीकल्चर इनकम। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है इनकम फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री फार्मिंग। देखिए, डेयरी फार्म और पोल्ट्री फार्म से जो भी इनकम होती है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती। सो सबसे पहले तो आप देखिए एग्रीकल्चर इनकम में आता क्या। एग्रीकल्चर इनकम में वो सारी इनकम आएगी जो हमने ऑपरेशंस करे होंगे लैंड के ऊपर, उससे जो इनकम आएगी डायरेक्टली, जो हमने ऑपरेशंस करे हैं उससे जो इनकम आ रही है। अनरिलेटेड कोई भी एग्रीकल्चर की इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम में इनकम टैक्स एक्ट में कंसीडर नहीं करी जाती। राइट, तो ये सारी फिशरी करना, ठीक है, बटर चीज से रिलेटेड कुछ भी काम करना, ये डेयरी फार्म प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सब कुछ एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है कि विच इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज। देखिए, हम ट्रीज को क्या कर रहे हैं, रीप्लांट कर रहे हैं, यानी दोबारा उगा रहे हैं। बट कैसे उगा रहे हैं, रीप्लांटेड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इन फॉरेस्ट्री आर कैरिड आउट। जो भी फॉरेस्ट में जितने भी ऑपरेशन करने हैं, फॉरेस्ट जो ट्रीज को हमने रीप्लांट करना है उसमें हम सारे क्या कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कर रहे हैं ट्रीज को ग्रो करने के लिए। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, हम सारे ऑपरेशंस लगा रहे हैं यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर इनकम होएगी ये, क्योंकि ये तो डायरेक्ट लिंक हो रहा है, लैंड से रिलेटेड वर्क हो रहा है यहाँ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी जो कि एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। तो ये हमारी डायरेक्ट एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हम लैंड वैंड पर यहाँ कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं हुई। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम द लैंड यूजिंग फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एज अ वेयर हाउस वो लैंड यूज हो रही है, ठीक है, एज ए वेयर हाउस यूज हो रही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो सिर्फ, तो बेसिकली आप ये याद रखना, तो पॉइंट चेंज भी हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं वो डायरेक्टली लैंड से रिलेटेड हो, अगर एग्रीकल्चर इनकम हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 में, थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉइज डाई एवरी डे इन फैक्ट्रीज ड्यू टू एक्सीडेंट। ठीक है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आजकल, आप भी न्यूज में पढ़ते होंगे, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हाँ इंडिया में ये चीज होती है कि बहुत सारे प्लांट्स में, बहुत सारे फैक्ट्रीज में ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें एम्प्लॉइज की जान चली जाती है। राइट, तो कह रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू हो जाती है। बट सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं टू मेक एन एक्सीडेंट फ्री प्लांट एड टू कॉस्ट। तो ऐसे प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जिसमें हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इट डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लांट्स को, अगर मतलब प्लांट यहाँ पर मशीन्स की बात हो रही है, ये प्लांट मशीन्स हैं, तो ठीक है, हो सकता है कि मशीन्स को हमारे को बेटर करने के लिए हमारी कॉस्ट ज़्यादा आए, लेकिन इसका मतलब ये तो जरूरी नहीं है कि ना प्रोडक्टिविटी, जो हम न्यू प्लांट्स लगाएंगे उससे हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होएगी, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। तो क्योंकि न्यू प्लांट्स लगाएंगे, न्यू मशीन्स लगाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज अच्छी आएगी, ज़्यादा होगी, ना कि डिक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ही क्या कह रही है, फॉल्स कह रही है। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 83 पर मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर बात कर रहा है द मोनोपोली इन्वॉल्व्स अ सोशल कॉस्ट। ठीक है, मोनोपोली में कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, सोशल कॉस्ट ड्यू टू एम्फेसिस ऑन विच वन ऑफ द फ्लोइंग। तो हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि यहाँ क्या कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग आप अच्छे से समझिए। क्वेश्चन का मीनिंग यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि उसमें एक सोशल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सोशल कॉस्ट का मतलब यहाँ पर एक ऐसी कॉस्ट है कि जिसमें हम, जो हमारी सोसाइटी को क्या करते हैं, इग्नोर करके कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हैं जिससे हमारे प्राइसेस क्या जा रहे हो, हाई जा रहे हो। राइट, तो इसके, इस क्वेश्चन का पॉइंट्स अभी इस पीडीएफ में मुझे मिल नहीं रहा है, तो हम इसके, मैं पॉइंट बाद में आपको लास्ट में देखकर करवाती हूँ। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 84 पे मूव करते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर कह रहे हैं अ लो डेब्ट इक्विटी रेशियो इज जनरली रिकमेंडेड फॉर ए न्यूली स्टार्टेड बिजनेस। अगर आपने कोई भी न्यू बिजनेस को शुरू करा है तो आपको अपनी लो रखनी चाहिए डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लो हो हाई हो, हमारे पास एक 2:1 ऑप्टिमल डेप्ट इक्विटी रेशियो गिवन है, और यही हमारे को रिकमेंड करी जाती है कि हमारी हमारी जो रेशियो है वो 2:1 होनी चाहिए। तो जो ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो
तो ए इज नॉट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और रीजन भी पढ़ लेते हैं, एजर्शन तो ठीक नहीं है यहाँ पर। ड्यूरिंग द इनर्शियल ईयर्स ऑफ द बिजनेस, क्योंकि जब हमारे न्यूज बिजनेस की इनिशियल डेज होती हैं, स्टार्टिंग के डेज होती हैं, डेप्थ सर्विसिंग विल प्रूव टू बी लेस बर्डनसम। तो डेप्थ सर्विस हमें कैसा फील, मतलब लेस डेप्थ सर्विसिंग अगर हम लेंगे तो हमें कैसा फील होगा, हमें बिल्कुल भी बर्डन फील नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि डेप्थ की जो रेट होती है वो इक्विटी के कंपेरिजन से क्या होती है, डेप्थ की कॉस्ट कम होती है, ठीक है। तो डेप्ट अगर हम इशू करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, और न्यूली बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर डेप्ट को इशू से उनके करने पे कॉस्ट कम आ रही है। तो ए इज नॉट करेक्ट, बट आर क्या है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज़ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 85। 85 में कह रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक इनपुट फ्रॉम द फ्लोइंग। तो हमें ये बताना है कि प्रोडक्शन फंक्शन के कौन कौन से इनमें से फीचर्स होते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन से ये बना है, राइट, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके। तो फर्स्ट कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट, कि जो भी प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ठीक है, देखिए प्रोडक्शन फंक्शन किस पे डिपेंड होगा, हम कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसकी सब्स्टिट्यूट वैल्यू, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी देखेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी देखेंगे उनको, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी देखेंगे उससे रिलेटेड, और सब्स्टिट्यूट भी देखेंगे। तो ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे यहाँ क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, ठीक है। उसका स्पेसिफिकिटी भी देखेंगे कि कौन कौन से इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं उसको, कौन कौन से इनपुट रिक्वायर्ड है उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से इनपुट चाहिए, कौन कौन से स्पेसिफिक इनपुट चाहिए हमें। तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बाकी फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 86 की ओर देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर बात कर रहा है कि आपको ये बताना है कि कंपनीज हैविंग बिजनेस इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। कि आप सभी को पता है अगर बिजनेस लार्ज होते हैं तो उनकी जो ब्रांचेज होती है अराउंड द वर्ल्ड होती है, राइट, एट अ प्रेजेंट आर कॉल्ड, भाई आजकल के टाइम पे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस या एमएनसीज बोलेंगे, ग्लोबल कॉरपोरेशन या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए एमएनसी और पीएनसी, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। जो ग्लोबल कॉरपोरेशन होती हैं वो होती हैं जिनका ट्रेड रिलेशन होता है अदर कंट्रीज के साथ भी, तो हम इनको क्या बोलेंगे, ग्लोबल कॉरपोरेशन। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। एक और डिफरेंस है इसका यहाँ पर, मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं कि हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन होम कंट्री। हेडक्वार्टर कहाँ होता है उनका, होम कंट्री में एमएनसीज का। लेकिन ग्लोबल वाले जो होती हैं, ग्लोबल कॉरपोरेशन जो होती हैं, उनका कोई हेडक्वार्टर पर्टिकुलरली नहीं होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारा लिखा भी हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि इनमें से कौन से सोर्स में इम्प्लिसिट कॉस्ट अप्लाइड हुई है, इम्प्लिसिट कॉस्ट लगी है। तो देखिए बाकी सब में तो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट लगती है, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, डिबेंचर्स हो, ठीक है, या फिर चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, क्योंकि इनको इशू करते हुए कंपनी का भी कुछ कुछ खर्चा होता है, उन्हें फ्लोटेशन कॉस्ट भी भरनी पड़ती है, ब्रोकरेज चार्जेस भी उनके लगते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट किस में लगती है, सिर्फ जो उनकी रिटेन अर्निंग होती है उसमें, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती क्या है, देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो हमारी आउट ऑफ पॉकेट नहीं जाती है, आउट ऑफ पॉकेट ये हमारे नहीं जा रही है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना। देखिए जैसे अब हमने कुछ भी करा, लाइक हमने अपने बिजनेस के लिए कुछ, हमने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहा, ठीक है, और हमारी वहाँ पर लैंड खुद की थी, ठीक है, तो हमने अपने बिजनेस को क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। तो यहाँ हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट लगी है, क्योंकि वो लैंड खाली थी तो हमने अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया, नहीं तो वो लैंड कहीं और किसी और पर्पस के लिए यूज हो जाती, हम उसको रेंट पे दे देते तो वहाँ से हमारा रेंट आता। तो ये एक ऐसी कॉस्ट है जो हमारी डायरेक्टली आउट ऑफ पॉकेट तो नहीं जा रही है, बट कहीं ना कहीं हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सी कॉस्ट हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी, हमारे खुद के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 88 पर देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैचिंग कंसेप्ट है। मैचिंग कंसेप्ट में यहाँ पर बात करी गई है, फर्स्ट लिस्ट है और सेकंड लिस्ट है। तो देखिए ये सभी नॉर्मल सा बड़ा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है यहाँ पर। तो फर्स्ट है क्लेम्स, तो क्लेम्स को आप किसके साथ यहाँ पर मैच करेंगे, क्लेम्स यहाँ पर मैच होएगा टेलीफोन, मोबाइल अलाउंसेस, कोई भी जो हमारे को यहाँ पर क्या मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं कंपनी की ओर से, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, जो हमें कंपनीज अलाउंसेस देती हैं उनको कभी भी क्लेम कर सकते हैं, हमारे मंथली जो भी अलाउंसेस हमें होंगे, चाहे वो हमारा टेलीफोन अलाउंस है, ठीक है, इंटरनेट अलाउंस है, या फिर कोई मेडिकल अलाउंस है। उसके बाद होते हैं परकिसेट्स,
पर्क्स जो होती हैं, अभी दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, कैश की फॉर्म में भी हो सकती हैं, कुछ काइंड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट। जैसे अब है पेड हॉलीडे, पेड हॉलीडे यहाँ पर हमें मिली हुई है, यानी कि अगर हमारी कोई छुट्टियां पड़ी हैं पहले से ही हमारे, हमने ऑफिस से नहीं लिया जो कि हमारे को मिल रही थी ऑफिस से, तो ये हमें एज ए काइंड मिल रही थी, ठीक है ना, कि हमें कि हमें महीने में 30 डेज में 2 डेज हमें ऑफ हम ले सकते हैं, उसमें हमारी सैलरी कोई कट नहीं होगी। बट वो हमने 2 डेज भी ऑफ नहीं लिया, हम पूरे के पूरे मंथ अपने जॉब पर गए 30 के 30 डेज, तो फिर वो हमारे जो 2 डेज का जो ऑफ हमें मिलता था वो हमें कैसे दे देंगे, एज ए कैश दे देंगे। तो ये पर के सेट्स हो गए, राइट। तो ये कैश में भी हो सकती है या फिर काइंड में भी हो सकती है। अब है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स कौन सी हैं, ये सिर्फ हमें काइंड में मिलते हैं, ठीक है। काइंड मतलब समझ गए ना आप यहाँ पर, कि कैश में ना मिलकर ऐसे कोई फैसिलिटी हमें उसकी जगह पर मिल जाएगी, तो इसको हम मैच करेंगे। जैसे लाइक हमारे को हमारा कैंटीन का बिल पे कर देगी हमारी कंपनी, हमें यूनिफॉर्म जो भी हमारी कंपनी की यूनिफॉर्म है उसके एक्सपेंसिस पे कर देगी हमें, तो ये सब हमारे क्या हो गए, फ्रिंज बेनिफिट्स हो गए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अकॉर्डिंगली इसका मैच कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारी बात कर रहा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इनिशिएटिव इज नॉट द स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग शॉर्टेज ऑफ इम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं अगर आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी इनमें से नहीं है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉइज की क्या हो जाती है, तो शॉर्टेज हो जाती है, तो राइट यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी शॉर्टेज ऑफ इम्प्लॉइज की, कि इम्प्लॉइज की शॉर्टेज हो गई है, तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी उनको मैनेज करने में काम नहीं आएगी। तो फर्स्ट है ऑफर इंसेंटिव टू पोस्टपोन रिटायरमेंट। देखिए अगर आप किसी भी जो पोस्टपोन रिटायरमेंट, किसी की रिटायरमेंट को पोस्टपोन कर दोगे, ठीक है, तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, अगर हमारी इम्प्लॉइज की शॉर्टेज है तो हम पोस्टपोन रिटायरमेंट को क्या कर देंगे, कुछ इंसेंटिव दे देंगे और उसी को रिटेन करके बिजनेस में उसी इम्प्लॉय को रख लेंगे। तो ये तो शॉर्टेज ऑफ इम्प्लॉइज की जो है स्ट्रेटेजी सही है, हमारी जो इम्प्लॉइज की शॉर्टेज है वो क्या हो जाएगी, इस मेथड से कम हो जाएगी। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू रिड्यूस टर्नओवर। अगर हमारी कंपनी से लोग ज्यादा, इम्प्लॉइज ज्यादा निकल कर जा रहे हैं और हमने अपने टर्नओवर को रिड्यूस करना चाहते, वो भी हमारे में शॉर्टेज नहीं रहेगी, हमारे पास इम्प्लॉइज होंगे फुली, है ना, तो शॉर्टेज की कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पॉइंट में भी। फोर्थ पॉइंट भी कहता है हायर टेम्परेरी इम्प्लॉइज, ठीक है, अगर शॉर्टेज का टाइम है तो हम बाहर से टेम्परेरी इम्प्लॉइज रख लेंगे अपने बिजनेस में। तो ये तीनों तो हमारे क्या कर रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ इम्प्लॉइज के लिए फुलफिल कर रहे हैं, मतलब कि इम्प्लॉइज की शॉर्टेज नहीं होने देंगे इन तीनों में ही। लेकिन इम्प्लॉई ट्रेनिंग क्या है, इम्प्लॉई ट्रेनिंग तो इसलिए दी जाती है क्योंकि उसका काम अच्छे से हो, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से एक इम्प्लॉई क्या कर सके, उस वर्क को कंप्लीट कर सके। बट इसका शॉर्टेज ऑफ इम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं है इम्प्लॉई ट्रेनिंग का, तो फिर ये एक नॉट द स्ट्रेटेजी का पॉइंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द सैम्पलिंग थ्योरी आर करेक्ट। कि सैम्पलिंग थ्योरी में कौन सी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बात कर रहा है हमारी, द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड ऑन द सैंपल यूनिट्स आर कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ स्टैटिस्टिक। तो बिल्कुल ठीक बात यहाँ पर कह रहा है कि जो वैल्यू होती है स्टैटिस्टिकल मेजर की, बेस्ड किस पर होती है, अगर हमने सैंपल यूनिट से ली है, जो भी हमारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स की जो भी हमारी वैल्यू है वो हमने कहाँ से ली है, सैंपल यूनिट से ली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक। उसके बाद सेकेंड यहाँ पर कह रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है हमारी यहाँ पर। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है, इन द सैंपल रैंडम सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक द एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एंड द यूनिट्स ऑफ द सैंपल आर डिफरेंट। कैसे हो सकता है डिफरेंट, आप ही बताइए ना, अगर आपने पॉपुलेशन में से ही, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में से जो एलिमेंट है पॉपुलेशन में से ही, उसी में से आपने अपना सैंपल को चूज करा है, आपने पॉपुलेशन में से ही सैंपल लिया, तो वो चीज़ डिफरेंट कैसे हो सकती है। अरे सैंपल जो हमारा है वो पॉपुलेशन से ही आया, तो पॉपुलेशन और सैंपल डिफरेंट नहीं हो सकती यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही फॉल्स है और हमने करेक्ट वाले स्टेटमेंट ढूंढनी है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 ट्रू था। अब ऑप्शन नंबर 3 और 4 को भी हम देख लेते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। ये क्वेश्चन भी एनटीए नेट के कॉमर्स में बहुत बार पूछा जाता है कि जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है वो कौन सा मेथड है। ये यहाँ पर कह रहे हैं इट इज ए प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक। तो नहीं, ये कैसा मेथड है, ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, क्योंकि इसमें जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो अपनी क्या यूज करते हैं, अपने जजमेंट का यूज करते हैं एलिमेंट्स को, सैंपल को लेने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी बेस्ड नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जजमेंट का यूज हो रहा है ना, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड हो गया, टेक्निक हो गई हमारी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बात कर रहा है, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड द लॉ ऑफ लार्ज नंबर आर द मेन बेसिस ऑफ द सैंपल टू बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, तो जो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स है
जो लो ऑफ सैंपल का जो भी सैंपल में हमारा स्टैटिस्टिकल लो है वो यही कहते हैं कि एक तो जो हमारा सैंपल होना चाहिए वो उसमें लार्ज नंबर होने चाहिए, ठीक है, तभी तो वो एक अच्छे तरीके से एफिशिएंटली इफेक्टिवली तरीके से हमें रिप्रेजेंट होगा अगर उसमें एलिमेंट ज्यादा होंगे पॉपुलेशन के तो। और क्या कह रहे हैं, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी भी होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फोर्थ पॉइंट पूरा ही क्या हो गया, हमारी पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। तो अब ट्रू वाले पॉइंट पूछे थे, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू वाला पॉइंट्स हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, रिटेन अर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहते हैं, अ वेल चूज्ड मार्केटिंग चैनल मस्ट बी अलाइन टू कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ओके, विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो बिल्कुल जो भी हमारी कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है उसमें हम पहले क्या करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग क्या बना देते हैं, अपने अपने कंज्यूमर के जो भी उनके इंटरेस्ट, डिजायर, उनकी प्रेफरेंस होती है उनके अलग अलग सेगमेंट कर देते हैं। उसके बाद टारगेटिंग करते हैं, उसमें से हमारे लोग कौन सी हैं जो हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा लाइक कर रहे हैं उनको टारगेट करते हैं, हम अपनी ऑडियंस को उसमें से टारगेट करते हैं कि कौन से लोग हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं। उसके बाद है पोजीशनिंग, हम उनके माइंड में अपने अपने ब्रांड को लेकर उनकी वैल्यू क्रिएट करते हैं, उनके माइंड में एक पोजीशन बनाते हैं अपने ब्रांड को लेकर। तो STT, STG जो भी, STP हमारा जो भी ये बन गया है, S से सेगमेंटेशन, T से टारगेटिंग एंड P से पोजीशनिंग, STP, ठीक है। इस पे मैंने आपके डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से 5 मिनट की वो जस्ट वीडियो है, आप तीनों चीजों को वहां से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। उसके बाद कह रही है, जो भी हमारे मार्केटिंग चैनल्स होते हैं, जैसे हम प्रोड्यूसर होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को, और फिर वो चीज़ कंज्यूमर तक पहुँचती है, तो मार्केटिंग चैनल जो होते हैं इंटर डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द यूज ऑफ कंजम्पशन। जो भी हमारे को अपने कंज्यूमर तक, जो भी हमारा कंजम्पशन प्लेस है वहां तक हमारे प्रोडक्ट को पहुंचाता है, उसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग चैनल बोलते हैं। और यही हमारे जो है क्या होते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्शन प्लेस से लेकर कंजम्पशन प्लेस तक मार्केटिंग चैनल ही हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को प्रोड्यूस करने से लेकर उसको जो भी लोग कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर तक के पहुँचाने का काम। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाती है, हमारी बिल्कुल ट्रू हो जाती है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या है हमारा, तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने नेक्स्ट PDF में शेयर करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।